शिवसेना दो गुटों में बंट गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एवं एकनाथ शिंदे ग्रुप बनाए गए हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा त्याग पत्र देकर एकनाथ शिंदे ग्रुप का दामन थामा जा रहा है। क्रांति सेना का विलय शिवसेना में नहीं हुआ। क्रांति सेना राजनीतिक संगठन के रूप में काम करती रहेगी और चूंकि लंबा जीवन शिवसेना में दिया है सब लोगों ने और आज शिंदे जी के आगमन से लगता है कि शिवसेना गंभीरता पूर्वक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को देखते हुए काम करेगी और सब लोगों से विचार विमर्श के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि शिवसेना में एक बार फिर रहकर उसे पुराने लेवल पर पहुंचा जाए, उसे मजबूत किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि कुछ जिलों के जो जिलाध्यक्ष अब तक उद्धव ठाकरे जी के साथ काम कर रहे थे वो आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने तैयार हुए हैं और उन्होंने उद्धव साहब ठाकरे जी का साथ छोड़ दिया है और आज वो विधिवत रूप से एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में उनके नेतृत्व में चल रही शिवसेना में आज वो शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा जो हमने प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ पदों की घोषणा की है जिसमें मनोज सैनी जी को प्रदेश का महासचिव बनाया गया है, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा को प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा बिट्टू सिखेड़ा जी हैं और योगेंद्र फिरोही है सहारनपुर निवासी, उन्हें प्रदेश की कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया गया है। शिवसेना ने प्रदेश को चार हिस्सों में बांट दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में उन्होंने माना है और राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुझे महाराष्ट्र में नहीं, बीजेपी का यूपी के अंदर शिवसेना पर कोई दबाव नहीं है, ना ही ऐसी कोई हमें स्थिति नजर आती। और जो जनहित के मुद्दे हैं, समाजहित के मुद्दे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे हैं, देखा जाता है कि बीजेपी कई हिंदुत्ववादी मुद्दों पर जो है कांग्रेस वाली नीतियों पर काम कर रही है, तो जो हिंदुत्ववादी मुद्दों को लेकर है वो शिवसेना काम करेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निकाय चुनाव में भी शिवसेना की कुछ सीटों पर तैयारी है चुनाव लड़ने की और हमें पूरा विश्वास है कि हाईकमान जो है एक दो दिन में चुनाव लड़ने की कोई ना कोई अधिसूचना हम लोगों के लिए जारी। निकाय चुनाव में हम लोगों की पहले भी तैयारी रही है, पहले भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार भी तैयारी है चुनाव लड़ाने की और मुझे लगता है यदि शिवसेना के कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता बच सकती है।